आज हम बनाने जा रहे हैं तिल के लड्डू। तिल के लड्डू तो आपने बहुत बनाए होंगे, लेकिन आपका हाथ जलता होगा, आपके लड्डू बहुत हार्ड हो जाते होंगे या सही ढंग से शेप नहीं आता होगा। तो आज सारी परेशानियां इस वीडियो में खत्म होने वाली है। तो चलिए मिलके बनाते हैं तिल के लड्डू। तो कैसे हैं मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शैबूपी आपका स्वागत करता हूँ अपनी ऑनेस्ट किचन के अंदर। तिल के लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पे 500 ग्राम तिल का इस्तेमाल किया है, सफेद वाले तिल। तिल सफेद वाले दो तरह के आते हैं, एक धुले हुए और एक बिना धुले हुए। तो हम धुले हुए तिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक लोहे की कढ़ाई में मैंने चढ़ा दिया है, आंच को जितना कम रख सकते हैं उतना कम रखना है और इसको लगातार स्टर करना है, छोड़ना नहीं है बीच में भी, क्योंकि तिल बहुत जल्दी जलने लग जाते हैं। तिल हमारे भुन चुके हैं, इस बात का कैसे पता लगाएं भाई? खुशबू से, खुशबू तो थोड़ी देर में ही आने लग जाती है। तिल हल्के से फूल भी जाते हैं और कलर भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हीट थोड़ी सी तेज हो गई, मतलब कढ़ाई हमारी गर्म हो गई, तो हमने इसको नीचे भी उतार दिया। और ये देखिए इसका कलर, तिलों का कलर देखिए हल्का चेंज भी हो गया है। आप यहाँ पे टेस्ट करके भी देख सकते हैं, अगर आपको भुनी हुई लगी, कच्चापन नहीं लगे, तो आप बिना कोई देरी के फटाफट से इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर दीजिए। तिल को भूनने में लगभग 5-7 मिनट का यहाँ पे वक्त लगा है। अब उसी कढ़ाई में हमने 2 बड़े चम्मच घी डाल दिए हैं। घी यहाँ पे सिर्फ एक शाइनिंग का काम करता है, इसलिए घी डालना जरूरी भी नहीं है। अब यहाँ पे हम गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं 1/2 किलो, मतलब जितना तिल होगा उतना ही गुड़ होगा। गुड़ हमेशा डार्क ब्राउन कलर का लेना चाहिए, जितना डार्क ब्राउन कलर का होगा गुड़ उतना ही साफ होगा। जो पीले कलर का आता है, सफेद कलर का सा आता है, वो गुड़ का इस्तेमाल ना करें। उसके अंदर सोडियम हाइड्रोसल्फाइड मिलाया जाता है उसको क्लीन करने के लिए। और गुड़ को कितनी देर पकाना है इस रेसिपी में, अगर गुड़ बहुत ज़्यादा देर तक पका लिया तो लड्डू हार्ड बन जाएंगे, गुड़ ज़्यादा नहीं पका पाए तो लड्डू ही नहीं बनेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो हमेशा गुड़ को लो फ्लेम पे पकाना है, उसको जलने नहीं देना है। अगर फ्लेम थोड़ी सी भी तेज होगी तो ये कैमलाइज होके जलने लग जाएगा। तो हमेशा धीमी धीमी आंच पे इसको गुड़ को पकाइए। और उसको चेक करने का तरीका है कि कैसे चेक करें कि हमारा जो गुड़ है वो उस कंडीशन में आ गया है कि हमारा लड्डू बन जाए। तो ये देखिए इस तरह से उठाइए, बबल तो आने लग जाते हैं। आप किसी पानी के बर्तन में इसको डाल के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा गुड़ पका या नहीं पका। तो इस तरह से डाल दीजिए और उसके बाद में इसको उठाइए और देखिए कितना सॉफ्ट है। अगर ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है आपको, हल्का सा मैश सा हो रहा है, तो इसको थोड़ी देर और पकाइए। तो यहाँ पे हमको थोड़ी सी ज़रूरत लग रही है पकाने की, तो हम 1-2 मिनट और पकाएंगे। तो हमने गुड़ को यहाँ पे 1-2 मिनट और पकाया है। अब बस हो गया है, कलर भी थोड़ा डार्क सा लग रहा है। यहाँ पे पानी में डाल के फिर देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए हल्का सा हार्ड हो रहा है, हार्ड का मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हो रहा, टूटना नहीं चाहिए, हल्का सा सॉफ्ट रहना ही चाहिए। टूटेगा तो मतलब समझ लीजिए लट्टू आपके दांत ही तोड़ेंगे। अब फटाफट से इस जो तिल को हमने भुना हुआ था वो भी मिक्स कर लीजिए। चलो ये बात तो पक्की हो गई, तो लड्डू हमारे ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड बनेंगे और ना ही ओवर सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को आप चाहें तो बिल्कुल लो रख सकते हैं या फिर बंद कर दीजिए। और अब बात आती है कि हाथ ना जले, तो इसके लिए क्या करना है, इसको एक तरफ बिल्कुल समेट दीजिए, बिल्कुल एक तरफ समेट दीजिए, फैलाइए मत इसको, हल्का गुनगुना रखने दीजिए और ठंडा पानी हाथ में लगाइए इस तरह से। और जितना बड़े लड्डू आपको बनाने हैं उतना बड़ा हिस्सा उठा लीजिए और उछालते उछालते उसको लड्डू बनाइए इस तरह से। अब आप कहेंगे ये पानी वाली ट्रिक कौन सी नई बात है, ये तो सभी बताते हैं। बिल्कुल सही बात है, पानी वाली कोई ट्रिक नहीं है, लड्डू जैसे बनाने हैं आपको वैसे बनाइए। इस बात का कोई डर नहीं है कि मिक्सचर ठंडा हो जाएगा, भाई मिक्सचर को हम हल्का सा फिर से गर्म कर सकते हैं। आप इसको फैलाइए मत मिक्सचर को, हल्का सा बांध के रखिए, मतलब जॉइंट सा रखिए, तो आपका मिक्सचर जल्दी ठंडा नहीं होगा। और जिस स्पीड से आप बनाना चाहते हैं उस स्पीड से बनाइए गोल गोल। मिक्सचर आपको ऐसा लगता है कि ठंडा हो गया है, हार्ड हो गया है, बनाना मुश्किल हो गया है, तो हल्की सी हीट दोबारा लगा लीजिए और उछालते उछालते इस तरह से लड्डू बना लीजिए। तो आपके हाथ भी नहीं जलेंगे और लड्डू भी बन जाएंगे। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, अच्छी लगी तो लाइक करना,
फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखना। हैप्पी लोहड़ी एंड हैप्पी संक्रांति।